बहुत ही तेज है गाइस, आप देख सकते हैं। देखिए ये कितना बाहर की तरफ पानी फेंक रहा है। देखिए गाइस, इसको मैं दीवार भी भिगा दे रहा हूँ। हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज मैं एक वाटर पंप बनाने वाला हूँ। गाइस ये जो वाटर पंप है 100% वाटर प्रूफ है और जल्दी खराब नहीं होगा, क्योंकि इसे मैं लोहे की पाइप को कटिंग करके बनाया हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरी देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए फटाफट से शुरू करते हैं। गाइस यहाँ पर 12 वोल्ट की एक डीसी मोटर लेना है, जो कि मार्केट में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। साथ में एक वॉशर लेना है, और आप देख सकते हैं वॉशर को मैं यहाँ पर कटिंग कर लिया हूँ आगे पीछे। और इस वॉशर को इस मोटर के ऊपर इस तरह से रख देना है, और फिर इस स्क्रू को यहाँ पर टाइट कर देना है, दोनों स्क्रू को। गाइस यहाँ पर मैं 1.5 इंची मोटाई और 2 इंची लंबाई की एक गोल पाइप लिया हूँ। अब इस पाइप को इस मोटर के अंदर इस तरह से रखकर इसे अच्छे से वेल्डिंग कर लेना है। गाइस देखिए यहाँ पे पूरा वेल्डिंग कर लेना है। मैं आपको वेल्डिंग करके दिखाता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से वेल्डिंग करके यहाँ पर फिनिशिंग कर दिया हूँ। गाइस यहाँ पर दो सरिया का टुकड़ा लेना है, और इन सरिया को इस मोटर के साथ में रखकर इसे भी अच्छे से वेल्डिंग कर लेना है। तो इसे अच्छे से वेल्डिंग कर दिया हूँ। अब यहाँ पर एक गोल वॉशर लेना है, और इसके बीच में एक छेद कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसमें होल कर दिया हूँ। यहाँ पर एक पाइप का टुकड़ा लेना है, और इसे इस तरह से रखकर इसे अच्छे से वेल्डिंग कर लेना है। तो इस वॉशर को इस पाइप के साथ में वेल्डिंग कर दिया हूँ, और इसे अच्छे से फिनिशिंग कर दिया हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर नीचे रखेंगे, और इसको यहाँ पर इस तरह से रखकर इसे अच्छे से वेल्डिंग कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर वेल्डिंग करना है, मैं आपको इसे भी वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पर मैं पीवीसी पाइप लिया हूँ, और इसे कटिंग करके सीधा कर लिया हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर मार्किंग करके इसको गोल राउंड कटिंग कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसे गोल राउंड में कटिंग कर लिया हूँ, और बीच में एक होल कर दिया हूँ। अब हम इसमें मार्किंग कर लेंगे। देखिए मैं इसे मार्किंग कर दिया हूँ, और यहाँ पर एक इस तरह से पिन लेना है, और इस पिन को इसके अंदर डाल देना है इस तरह से। देखिए तो गाइस पीवीसी पाइप के छोटे छोटे टुकड़े लेना है इस तरह से, और इन टुकड़ों को इन लाइन के ऊपर इस मार्किंग के ऊपर इस तरह से लगाना है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने फेविक्विक से अच्छी तरह से चिपका दिया हूँ इसको। अब हम क्या करेंगे, इसे इसके अंदर डालेंगे। देखिए इस तरह से डालना है आपको। देखिए ये फ्री घूम रही है। गाइस एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर एक होल करना है ताकि पानी बाहर की तरफ आ सके। गाइस यहाँ पर मैं एक जनरेटर के कनेक्टर लिया हूँ, जो कि आप हार्डवेयर की शॉप से ले सकते हो। गाइस इसको मैं यहाँ पर इस तरह से फिट करने वाला हूँ, आपको मैं इसको फिटिंग करके दिखाता हूँ इस तरह से। गाइस तो गाइस इस कनेक्टर को मैं यहाँ पर अच्छे से वेल्डिंग कर दिया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। गाइस गाइस यहाँ पर मैं एक डॉट पेन लिया हूँ, और इसके आगे पीछे थोड़ा छेद बड़ा कर दिया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से डालेंगे। गाइस देखिए, देखिए इसको मैंने डाल दिया यहाँ पर। अब इस पंखे को भी यहाँ पर इस तरह से डालना है। गाइस देखिए, तो गाइस देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से फिट कर दिया हूँ यहाँ पर, और इसको घुमा रहा हूँ तो ये घूम रहा है। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर इसको मैं घुमा रहा हूँ तो ये घूम रहा है। गाइस यहाँ पर मैं एक वॉशर लिया हूँ, और इस वॉशर को यहाँ पर इस तरह से लगाना है, जो कि ढक्कन का काम करेगा। गाइस गाइस यहाँ पर मैं इस वॉशर को चिपका दिया हूँ, और आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो वाटर पंप है वो बनके रेडी है। अब मैं इसको आपको ट्राई करके दिखाता हूँ, चला के दिखाता हूँ किस तरह चलता है, कितना पानी बाहर फेंकता है। गाइस गाइस एक डीसी वाटर पंप है, तो इसे चलाने के लिए मैं यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी लिया हूँ। अब इसमें तार को लगाते हैं गाइस, और मैं आपको ट्रायल करके दिखाता हूँ कैसे किस तरह से पानी बाहर की तरफ फेंकता है ये। तो गाइस मैंने इसमें दोनों तार को जोड़ दिया हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं पानी कितना तेज बाहर की तरफ फेंक रहा है। देखिए गाइस, ये देखिए गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना तेज है गाइस इसका पानी की रफ्तार।